पीछे बॉयल्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। देखो बड़ा आया है न्यूमेरिकल के, P11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, P2 380 टॉर्क था। अब एटमॉस्फेरिक और टॉर्क की रिलेशन बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए। वर्ल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 टॉर्क, तो भाई 380 टॉर्क को 760 से डिवाइड कर लो, हाफ एटमॉस्फेयर। V1 दिया है 22.4, वैसे तो फार्मूले, लेकिन देखो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। प्रेशर हाफ होगा, अभी तो मैंने बताया था प्रेशर हाफ होगा तो वॉल्यूम डबल, प्रेशर डबल होगा तो वॉल्यूम हाफ। यहाँ प्रेशर क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है ना, वन एटमॉस्फेयर से हाफ एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो इसका लगभग वॉल्यूम डबल हो जाना चाहिए। वॉल्यूम 22.4 से हो जाएगा 44.8 DMQ, और अगर प्रेशर वन एटमॉस्फेयर प्रेशर से 1520 टॉर हो रहा है टू एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो वॉल्यूम हाफ होना चाहिए। 11.2 का हाफ क्या होगा, 5.6 DMQ, यानी कि बोले तो अगर प्रेशर 10 टाइम बढ़ेगा वॉल्यूम 10 टाइम्स कम होगा। इसको क्रैक कर ले, 1/10 है, और अगर प्रेशर 10 टाइम्स कम होगा तो वॉल्यूम 10 टाइम बढ़ेगा। अब 380 टॉर हाफ एटमॉस्फेयर होता है या 1520 टॉर टू एटमॉस्फेयर होता है, तो देखिए ये वैल्यूज़ अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी है, बात है। ऐसी वैल्यूज़ मैं जानबूझ के IQ के क्वेश्चन ज़्यादा कराता हूँ, जिनमें वैल्यू जैसे कि वॉल्यूम हो गया 11.2, उसका डबल 22.4, 44.8, ऐसी IQ के क्वेश्चन मेरे अक्सर होते हैं, और वो मैं आपको वीडियो भी इसीलिए सेंड कर देता हूँ कि ताकि वैल्यूज़ आपको याद हो जाए।